तो तुम्हें माँ के मन को प्रभावित करना ही पड़ेगा। मैं कृष्ण को परखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसके बाद ही मैं ये तय करूंगी कि ये संबंध जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अरे इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कीर्तिदा काकी को प्रभावित करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम तो मुझे ये बताओ कि ये ब्रह्मदेव द्वारा उत्पन्न की गई इतनी बड़ी समस्या का हल तुमने कैसे खोज लिया? दाऊ, चुटकी बजाना केवल कृष्ण को ही नहीं आता। किंतु ये सब हुआ कैसे? उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आइए, मैं आपको सब दिखाती हूँ। चलो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो राधा? कुछ बताओ तो। बस पहुंचने ही वाले हैं दाऊ। जागिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, केवल ये सिद्ध करने के लिए कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, आपने वृंदावन से सभी गोपियों और सखियों को लुप्त कर दिया। ये भूल गए कि वृंदावन कृष्ण का हृदय है और कृष्ण के हृदय में मेरा प्रेम, इसलिए वृंदावन से कोई लुप्त नहीं हो सकता। यदि एक बार आप मुझसे प्रेम से कह देते, मैं स्वयं अपनी बात वापस ले लेती। कितना मूर्ख था मैं जो इस सब को अपनी लीला समझ रहा था, जबकि वास्तव में मैं तो इस लीला का एक भाग था। मैंने जो सोचा, जो किया, वो केवल एक स्वप्न था, एक अहंकार से भरा हुआ स्वप्न। मुझे मेरे अहंकार से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यशोदा मैया को सबके समक्ष लाकर मैंने आपके साथ जो लीला की है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं देवी राधा, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो अब मैं भी स्वीकार करता हूं कि वृंदावन सबसे सुंदर स्थान जहां राधा रानी रहती, जो स्वयं सही होते हुए भी क्षमा मांगने की महानता रखती है। इससे प्रतीत होता है कि आपके और श्री कृष्ण के हृदय में सभी के लिए कितना अथाह प्रेम है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको स्मरण रखनी होगी ब्रह्मदेव, वो ये कि किसी भी स्थान की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहां का दृश्य कैसा है, वहां पे कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं, कैसा वातावरण है। किसी भी स्थान की सुंदरता निर्भर करती है वहां के लोगों पर और उनके हृदय की सुंदरता पर। वृंदावन मेरा हृदय है और मेरे हृदय में केवल राधे का प्रेम है, और यही प्रेम है जो वृंदावन को इस ब्रह्मांड का सबसे अधिक सुंदर स्थान बनाता है। अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि वृंदावन उनका हृदय, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में राधा बसती है, प्रेम बसता है, और जहां राधा कृष्ण और उनका प्रेम बसता हो, इस पूरे ब्रह्मांड में उससे सुंदर स्थान कोई हो ही नहीं सकता। अब आप भी मेरे अहंकार को क्षमा करें।
क्षमा करूंगी, किंतु मेरी एक मांग है। मैं आपकी हर मांग पूरी करने के लिए सज्ज हूं। कहिए क्या चाहती हैं आप? मेरा और कृष्ण का विवाह आप करवाएंगे। देवी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं देवी राधा, राधा और कृष्ण का विवाह मैं स्वयं करवाऊंगा। राधा कृष्ण। और तब समस्त संसार एक ऐसे विवाह का साक्षी होगा जो ब्रह्मांड का सबसे विशेष और भव्य विवाह होगा। चलो, अब तो इस विवाह से जुड़ी समस्त बाधाएं दूर हो गई। अब बस कान्हा एक बार कीर्तिदा काकी को प्रभावित कर ले तो उसके पश्चात तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब तो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वृंदावन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और क्यों ना हो, संपूर्ण वृंदावन में राधा कृष्ण का प्रेम जो बसता है। और सबसे सुखद बात तो ये है कि ब्रह्मदेव को ये बात समझाने के लिए मेरे आराध्य श्री कृष्ण और देवी राधा ने अपने प्रेम का और अपनी लीला का मार्ग ही चुना, और साथ ही संसार को एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी। वो ये कि आप चाहे कितने भी बड़े और कितने भी महान क्यों ना, अतीत में आपने कितने ही उत्कृष्ट कार्य क्यों ना किए, परंतु यदि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आपके भीतर अहंकार जागृत हो गए तो वो आपको और आपके विवेक को भ्रष्ट करके रख देगा, और साथ ही आपकी तर्क की क्षमता का भी नाश कर देगा। सत्य कहा महादेव आपने। इस संसार को यह भी बताना आवश्यक है कि समस्या कितनी भी बड़ी और जटिल क्यों ना हो, यदि उसका हल प्रेम से किया जाए तो आप समस्या के निदान के साथ साथ अनेकों के हृदय भी जीत लेते हैं, जैसे राधा और कृष्ण ने ब्रह्मदेव का जीत लिया है। अब जब समस्त समस्याओं का समाधान हो ही गया है तो चलिए महादेव, आप और मैं भी उनके विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। कीर्तिदा को मनाना तो एक खेल मात्र होगा आपके आराध्य के लिए। नहीं गौरी, ये कार्य इतना सरल नहीं होगा, अपितु ये कार्य अत्यधिक कठिन सिद्ध होगा। महादेव आप उपहास कर रहे हैं ना? कृष्ण जो अपनी बातों से और व्यवहार से किसी का भी मन मोह लेते हैं, उनके लिए कीर्तिदा को मनाना कठिन क्यों होगा? कठिन होगा गौरी, क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं है, राधा और कृष्ण का विवाह। और अभी तो कई और बाधाएं भी हैं जिन्हें पार करना शेष है।